हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला में 386 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ था। आज हम शुरू करेंगे 387 नंबर प्रश्न से। इम्पोर्टेंट होंगे प्रश्न यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए, साथ में उन परीक्षाओं के लिए भी, जैसे कि RO, ARO, BE और UPSSC, अन्य जो परीक्षाएँ होती हैं उनमें भी इम्पोर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भी पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और प्रश्न कुछ पूछे जाएँ, कुछ हिसाब से पूछे जाते हैं तो उनका आप जवाब दिया करें ईमानदारी से। ठीक है, और इससे ये भी पता चलता है कि वीडियो को देखा है आपने या फिर नहीं देखा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 387 क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। ऐसा है, भारत के संविधान में फेडरल कोर्ट शब्द है, इसका उल्लेख किया गया है। तो आपको बता दें, आर्टिकल है 135। ठीक है, तो 135 में ऐसा कहा गया। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, गलत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ गलत पूछा गया है सही कौन सा सही नहीं है, तो गलत बताना है। दूसरे देखते हैं भाई, उच्चतम न्यायालय के पास सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी कानून के तहत गठित न्यायाधिकरण द्वारा किए गए फैसले से अपील करने के लिए विशेष अवकाश देने का विवेक है, तो बात ये भी गलत है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। 135 में फेडरल कोर्ट शब्द का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 136(1) उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से किसी भी कारण मामले में पारित किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्णय, आदेश या आदेश से अपील करने के लिए विशेष छूट दे सकता है, या फिर भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया जा सकता है। ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय के लिए है 136(1). तो ये कहते हैं इसमें क्या, ये अपने विवेक से यूज कर सकता है, अपने विवेक का इस्तेमाल करके कि किसी भी कारण से मामले में पारित कोई भी निर्णय, डिक्री है या फिर कोई आदेश है, उसके अपील करने के लिए विशेष छूट दे सकता है, और ये जो छूट होगी वो भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई अदालत होगी या फिर कोई भी न्यायाधिकरण होगा, वहाँ से आप जाके पारित करवा सकते हैं या पारित किया जा सकता है उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि खंड एक में कुछ भी सशस्त्र बलों से संबंधित या किसी भी कानून के तहत गठित किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या बनाए गए किसी भी निर्णय, निर्धारण, वाक्य, आदेश पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आती है कि जैसे सामान्य बात है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सशस्त्र बलों से संबंधित कोई कानून है, उसके तहत गठित किसी अदालत न्यायाधिकरण द्वारा पारित या बनाए गए कोई भी निर्णय या निर्धारण होगा, शब्द होगा, आदेश होगा, वो उसमें लागू नहीं होगा। ठीक है, ये बात इसमें। ठीक, चलिए समझ आ रहा है। अगला प्रश्न देखने क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब कौन सा कथन सही है ये देखते हैं।
उच्चतम न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष एक लंबित एक मामले को किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में केवल दोनों उच्च न्यायालयों की पूर्व सहमति से स्थानांतरित कर सकता है, तो ये बात गलत है। ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें ये पहला स्टेटमेंट गलत है आपका। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई कानून बनाया है या कोई कानून घोषित किया है तो पूरे भारत में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उन सबको बात माननी पड़ती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए फिर इसकी व्याख्या देखते क्या है। सर्वोच्च न्यायालय अगर न्याय के सिरों के लिए ऐसा करने में समीचीन है तो किसी भी मामले अपील अन्य कार्यवाही को किसी भी उच्च न्यायालय के किसी अन्य उच्च न्यायालय में लंबित कर सकता है। ठीक है, वो दोनों उच्च न्यायालय से बातचीत का कोई नहीं है। ठीक, उच्च न्यायालय की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया अनुच्छेद 141 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित जो भी कानून है भारत क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विचार विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर और बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट है अनुच्छेद 143 के अनुसार, आर्टिकल 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दी गई राय उनके लिए बाध्यकारी है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दी गई राय उनके लिए बाध्यकारी है, गलत है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय आमतौर पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय के व्यवहार प्रक्रिया को नियमित करने के लिए नियम बना सकता है, ये बात सही है। ठीक है ना, सही पूछा गया है इसलिए इसका दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, पहला गलती था जिसकी ए नहीं होगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सलाह है। मतलब जो सलाह, मतलब ये क्या बोलते हैं, राय देना, सलाह देना, परामर्श, परामर्श टाइप का वो है कि इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि हम आपको बताएंगे, आपको मानना पड़े। ठीक है, तो बाध्यकारी केवल सलाह है, ये न्यायिक घोषणा नहीं है। ठीक है, इस चीज ध्यान रखना है, इसलिए राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी भी नहीं है। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ, संसद कोई कानून बनाता है तो उसमें कानून प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ आमतौर पर न्यायालय के व्यवहार प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ, सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है तीन सौ 90 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कि कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत पूछा जा रहा है। ये चीज आपको हमेशा बताते हैं कि ये चीज ध्यान रखनी है। तो पहला स्टेटमेंट अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ को सुनने के उद्देश्य से बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 3 होनी चाहिए, बात सही है। 143 के तहत किसी भी संदर्भ को सुनने के उद्देश्य से बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम से कम संख्या 3 होनी चाहिए, ये गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की सेवा शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है ना, इसलिए इसका इसमें गलत पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो किसी मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठती है जिसमें इस संविधान की व्याख्या के रूप में कानून का पर्याप्त प्रश्न शामिल है,
यह अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ को सुनने के उद्देश्य से कितने होते हैं? 5 होते हैं, ना कि 3 होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों या किसी अन्य न्यायाधीशों या न्यायालय के अधिकारी द्वारा अधिकृत की गई हों। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियम बनाना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। संसद कोई भी कानून अगर बनाता है तो उनका क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी सेवा शर्तें, तो वो सब क्या करते हैं, प्रावधानों के अधीन कानून प्रावधान। अच्छा ठीक है, तो संसद द्वारा अगर कोई भी कानून का प्रावधान किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी हों, सेवक हों या फिर जो भी हों, वो सब क्या करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उसमें द्वारा बनाए गए नियमों किसी अन्य न्यायाधीश न्यायालय के अधिकारी द्वारा क्या होगा, वो अधिकृत होना। ठीक है, इसलिए ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियम बनाना। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय सही बताना इसमें कौन सा कथन सही है विचार करके। तो उच्च न्यायालय के पास खुद की अवमानना के लिए दंड करने की शक्ति नहीं है। तो बात सही है, उच्च न्यायालय के पास खुद की अवमानना करने की शक्ति, करने अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति नहीं है, बात सही है। यदि कोई प्रश्न किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आय के अनुसार आता तो यह प्रश्न भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तय किया जाएगा, तो ये गलत है। यदि कोई प्रश्न किसी उच्च न्यायाधीश की आय के अनुसार आता तो यह प्रश्न भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तय किया जाएगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्रश्न जब हाई कोर्ट को जज का है या हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का है कि आय का है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, है ना। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट सही है, सही पूछा गया, तो इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। ठीक है, इसकी व्याख्या जो है, प्रत्येक उच्च न्यायालय रिकॉर्ड की एक अदालत होगी, इस तरह की अदालत की सभी शक्तियां होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी होगी। तो अवमानना के लिए हाई कोर्ट क्या करते हैं, दंडित कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आय के बराबर अनुसार आता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह के बाद राष्ट्रपति द्वारा प्रश्न का निर्णय लिया जाता है। मतलब निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति लेंगे, और सलाह कौन देगा, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, कौन सा कथन सही है ये बताना। देखते हैं, कोई भी व्यक्ति, पहला स्टेटमेंट है, कोई भी व्यक्ति जिसने उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है वो भारत के किसी भी न्यायालय में गुहार कार्रवाई करेगा, तो बात सही है क्या, नहीं सही है। ये पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसने उच्च न्यायालय के स्थानीय न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है वो भारत के किसी भी न्यायालय में गुहार या कार्रवाई करेगा, ये गलत है। दूसरा, जब एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ थे तो कार्यालय के कर्तव्यों को न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक द्वारा निष्पादित किया जाएगा, क्योंकि राज्यपाल इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका सही उत्तर डी है। हाँ, देखिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिसने इस संविधान के प्रारंभ के बाद एक उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों को छोड़कर किसी भी न्यायालय में या भारत के किसी भी प्राधिकारी के समक्ष यह कार्य करेगा। ठीक है,
जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है या ऐसा कोई मुख्य न्यायाधीश होता है तो अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होने पर कार्यालय के कर्तव्यों को ऐसे किसी एक के द्वारा निष्पादित किया जाएगा, वो भी राष्ट्रपति के रूप में न्यायालय के न्यायाधीश इसी ठीक है इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं। तो कौन नियुक्त करता है भाई? राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 393। संविधान का अनुच्छेद 360 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसमें कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है सही नहीं है। संविधान के अनुसार 360 की राष्ट्रपति, हाँ इसमें क्या बताना है कि सही नहीं मतलब गलत कौन सा, ये बताना है। देखते हैं कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छोड़कर राष्ट्रपति सभी सरकारी अधिकारियों के वेतन को कम कर सकते हैं, ये गलत है। उनके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। संघ यह निर्देश दे सकता है कि राज्य के विधानमंडल राज्य द्वारा पारित धन विधेयक राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के लिए आरक्षित है, तो ये भी गलत है ना। नहीं, एक मिनट। संघ यह निर्देश दे सकता है कि राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित धन विधेयक राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के लिए आरक्षित है। नहीं, दूसरा सही है और पहला गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है ना। इसका सही उत्तर हो गया ए। देखते हैं, सही उत्तर ए है। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन गलत है, ठीक है। अब कौन सा कथन गलत है ये बताना है कि देखिए, पहला स्टेटमेंट है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं यदि संसद सत्र में नहीं है तो। बात सही है कि गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि उसमें विधानमंडल नहीं है, विधानमंडल का विघटन हो चुका है और संसद भी सत्र में नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति के ऊपर ही सारा भार रहेगा कि वो क्या करेंगे, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही होगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति या तो केंद्र से राज्यों को वित्त के हस्तांतरण को कम कर सकते हैं या फिर रद्द कर सकते हैं, और राष्ट्रपति के ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना होगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय की बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत एक भी नहीं है, इसलिए डी आंसर होगा, अन्यथा सी आंसर होता। मतलब अगर दोनों गलत होते तो सी होता, दोनों सही हैं इसलिए डी आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डी सही है। हाँ, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा चल रही है राष्ट्रपति राज्य के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं अगर संसद सत्र में नहीं है तो। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा चल रही है, राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को वित्त हस्तांतरण कम कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। राष्ट्रपति के ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होगा? इसमें क्या है कि जो सदन है उसमें एक महीने के अंदर अंदर दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, शर्त है, ठीक है। साथ में राष्ट्रपति अपने अनुसार, ऐसे अपने अनुसार वो पारित नहीं कर सकता ये सब चीजें, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते। उनको क्या करना होता है कि मंत्रि परिषद उनको क्या करती है, लिखित सलाह देती,
मंत्री परिषद की लिखित सलाह के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, की घोषणा की जाती है और समाप्त भी उसी अनुसार होता है, ठीक है। हाँ, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से गलत आ गया कि गलत कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है, यदि उच्च न्यायालय के व्यवसाय में यदि उच्च न्यायालय के व्यवसाय में अस्थायी वृद्धि हो जाती है, व्यवसाय मतलब काम में, ठीक है, अगर उच्च न्यायालय के व्यवसाय काम में वृद्धि हो जाती है तो राष्ट्रपति एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो हम आपको बताएं, ये पहला स्टेटमेंट में जो है आपका ये वाला एक वर्ष, ये वाला गड़बड़ है, ठीक है, एक वर्ष की बात नहीं कही गई संविधान में। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका पूरी तरह गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा, ये भी कोई शर्त नहीं है। रिटायर्ड जज अगर है तभी तो उन्हीं को बुलाया जाता है, नहीं तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको बुलाने का क्या मतलब है ना। तो रिटायर तो ऐसे भी उनकी एज हो चुकी होती है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हैं और सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्योंकि गलत पूछा गया था ना। यदि किसी उच्च न्यायालय के काम में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण कार्य के बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो जाए कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या समय कुछ समय के लिए बढ़ाई जाए बढ़ानी जाए बढ़ाई जानी चाहिए, तो विधिवत योग्य व्यक्ति ऐसी अवधि के लिए न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश 2 वर्ष से अधिक नहीं हो सकते, ठीक है, जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति निर्दिष्ट कर सकते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद नहीं संभालेगा, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय का संसद राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवादों में मूल अधिकार क्षेत्र है, जबकि विवाह तलाक से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है, ठीक है। ये दो चीजें हैं, सर्वोच्च न्यायालय का संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवादों में मूल अधिकार क्षेत्र है। क्या क्या? संसद राज्य विधानमंडल सदस्यों के चुनाव में, लेकिन विवाह तलाक से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। बात सही है क्या? नहीं, गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील की अदालत और निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है, ये बात तो सही है, ठीक है ना, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय नाम ही है तो निचली अदालतें जो भी निर्णय ली होंगी, जो भी कानून, जो भी दंड दिए होंगे उनके खिलाफ ही अपील की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में। एक तरह से उस अपराध से या उस दंड से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि सही पूछा गया था इसलिए सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है क्या है? संघीय मामलों में, जबकि उच्च न्यायालय का विवाह, तलाक, वसीयत, संसद सदस्यों, राज्य विधानमंडल सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवादों आदि में मूल अधिकार क्षेत्र है, ठीक है। उच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्या, मूल क्षेत्र अधिकार? विवाह, तलाक, वसीयत, संसद सदस्य, राज्य विधानमंडल सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद,
ये सब इसके मूल क्षेत्राधिकार है, किसके हैं? उच्च न्यायालय के। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील की अदालत और निचली अदालत के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, थोड़ा करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, देखते हैं क्या है। अंत्योदय अन्न योजना के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब देखते हैं, यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का एक हिस्सा है, तो बात सही है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का एक हिस्सा है, ये सही है। अंत्योदय अन्न योजना AAY के तहत घरों में प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न का हकदार है, बात सही है। भी एक महीने में 35 किलो राशन दिए जाते हैं। ठीक, उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, ये भी बात सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है ना, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, डी इसका सही उत्तर है। यह लाखों गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। यह योजना उपभोक्ता मामला खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा विकसित की गई थी। उद्देश्य क्या था? सबसे गरीब आबादी को लक्षित करना, इसके उद्देश्य को ध्यान में रखना है, सबसे गरीब आबादी को लक्षित करना, उन्हें भूख से राहत प्रदान करना है। ठीक है, आगे है, यह NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का एक हिस्सा है और AAY के तहत आने वाले घरों में प्रति माह प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। ठीक, कवरेज क्या है भाई? कवरेज एरिया इसका है राज्यों के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS। ठीक है, के तहत कवर किए गए BPL परिवारों में से सबसे गरीब परिवारों को। BPL परिवार तो ठीक है, उनमें भी सबसे गरीब परिवार को कवर करेगा ये। ध्यान रखना है कि BPL परिवार तो ठीक है, लेकिन उनमें भी सबसे गरीब जो होंगे उनको कवर करने की कोशिश करेगी, और उन्हें 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से, 1 रुपया है बस के हिसाब से मोटे अनाज की उच्च रियायती दर पर अनाज प्रदान करता है, 2 रुपये के हिसाब से गेहूं के लिए और चावल के लिए 3 रुपया, 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में गेहूं, 1 रुपये में मोटा अनाज। मोटा अनाज 1 रुपया, गेहूं 2 रुपया, चावल 3 रुपये किलो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, इनके क्या बोलते हैं मूल्य को भी ध्यान में रखना आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, ये जो राज्य दिए गए हैं आपको इतने सारे, इनमें बताना है कि नेपाल के साथ कौन कौन राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो भाई देखिए, आप ध्यान से देखें मैप पर, थोड़ा ध्यान रखें, तो सिक्किम है एक तरफ, भूटान, और सिक्किम के दूसरी तरफ नेपाल है। ठीक है, पहला एक तो हो गया, सब में एक एक दिख रहा है। पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग वाला क्षेत्र जो चिकन नेक है आपका, वो जब वहाँ से वो सिक्किम को टच करता, तो सिक्किम को टच करने से पहले इधर नेपाल को भी टच करता, पश्चिम बंगाल भी टच करता। ठीक, हो गया, बिहार है ही है, महावीर स्वामी नेशनल पार्क है आपको पता होगा, तो वो भी उसमें है। उसके अलावा उत्तराखंड भी देख ही रहे हैं, सीधा सीधा दिखता है वो। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भी है क्या? हिमाचल प्रदेश नहीं रहेगा वहां पर। ठीक है, तो भाई पांचवा निकाल देते हैं, तो 1, 2, 3, 4 सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, सिक्किम भी है, पश्चिम बंगाल, बिहार है, उत्तराखंड है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए वही है, 1850 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, एक्स्ट्रा है तो उसको भी ध्यान रखना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है ना, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है।
करेक्ट अफेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जून 2019 तक मालाबार व्यायाम के स्थायी भागीदार हैं? मालाबार व्यायाम होता है, मालाबार तट हमारा कहाँ है? पश्चिमी तट, पश्चिमी तट पर पड़ता मालाबार। तो मालाबार अभ्यास है ये किन किन देशों के बीच में होता है और स्थायी भागीदार कौन कौन रहे हैं? अभी एक नया सदस्य शामिल करने की बात हो रही थी, ठीक है? तो स्थायी सदस्य इसमें भारत है, अमेरिका है, ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की बात की जा रही है अभी, ठीक है। स्थायी भागीदार जून 2019 की स्थिति में नहीं था, ठीक। तो ये तीन सही हैं क्योंकि ये जून 2019 में स्थायी थे, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा इस हिसाब से बी, ठीक है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया नहीं है इसका हिस्सा। ठीक, अब देखते हैं क्या है। व्यायाम मालाबार संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत को स्थायी साझेदार के रूप में शामिल करने वाला क्या है? एक त्रिपक्षीय, तीन देश मिलके करते हैं इसलिए त्रिपक्षीय हो गया, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मूल रूप से 92 में शुरू किया गया था। ध्यान रखना है जब ये शुरू किया गया था तो उस समय भारत और यूएसए दो ही देश इसमें शामिल थे। 1992 में जब शुरू किया गया था ये, तो उस समय इसमें शामिल थे भारत और अमेरिका, ठीक है। चलिए, भारत और अमेरिका के बीच में ही चल रहा था और इसमें जापान को 2015 में शामिल किया गया था। ध्यान रखना 1992 में भारत और अमेरिका 1992 से चला रहे हैं मालाबार अभ्यास को, कर रहे हैं। 2015 में आके इन्होंने जापान को भी साथ में ले लिया, ठीक। भारत यह तय करना है भारत को कि जापान अमेरिका के साथ मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाए। ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की बात चल रही है, ठीक है। तो ये बात अभी समझ गए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना है, ठीक है, देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। यह एशिया की सबसे बड़ी बिजली परियोजना है, बात सही है। रीवा मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश सीमा से लगा हुआ जिला है, ठीक है ना। तो एशिया की सबसे बड़ी बिजली परियोजना है यह। राजस्थान में स्थित एक परिचालन सौर पार्क है। राजस्थान में क्यों होगा भाई? अभी हमने मध्य प्रदेश में बोला है, मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सौर से मतलब सूर्य से 100 गीगावाट शामिल है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, पहला और तीसरा सही, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना, 10 जुलाई को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का अनावरण किया है। कब? 10 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित, यह ध्यान दिया जाना चाहिए पीएम मोदी ने 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की स्थापना के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है 2022 तक, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 2022 की बात हो रही है और 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने की बात हो रही, ठीक, निर्धारित किया जब भारत ब्रिटिश शासन से अपनी आजादी का 75 साल पूरा करेगा। 2022 में 75 साल पूरे होंगे, ठीक। रीवा में अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन उस दिशा में हुई प्रगति को बढ़ाएगा, क्योंकि भारत पर्यावरण के अनुकूल और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अधिक निर्भरता के लिए एक मार्ग पर चलना चाहता है। तो ध्यान रखना इसके उद्देश्य को भी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, 2022 में 75 साल पूरे होंगे, 47, ठीक है, 2022 माइनस कर देंगे इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें।
नीचे दिए गए कथनों में बताना है कि ताइवान के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि संयुक्त राष्ट्र यूएन का सदस्य नहीं है, है? ऐसा भी है क्या? देखते हैं। तो सबसे बड़ी आबादी वाला है, सबसे ज्यादा इसकी आबादी है और साथ में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो ऐसे देशों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसकी है जो कि यूएन के सदस्य नहीं है। ठीक है, बात सही है, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है, यह दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और फिलीपीन सागर के आसपास स्थित है। बात ये भी सही है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। ताइवान आधिकारिक तौर पर चीन गणराज्य पूर्वी एशिया का एक देश है। पड़ोसी देशों में उत्तर पश्चिम में कौन सा है भाई? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC, उत्तर पूर्व में जापान, दक्षिण में फिलीपींस शामिल है। 23.7 मिलियन निवासियों के साथ ताइवान सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है और सबसे अधिक आबादी वाला देश, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है। ठीक, यह दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और फिलीपींस सागर के आसपास स्थित है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कौन सा कथन सही नहीं, मतलब गलत कौन सा है, यह बताना आपको। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में ऋणों की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां शामिल होती हैं। गैर पूंजी प्राप्ति में क्या क्या आता भाई? ऋणों की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है, भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड देश का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड ETF है, भारत बॉन्ड। ठीक है, तो ये भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत पूछा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में ऋणों की वसूली विनिवेश प्राप्तियां शामिल होती हैं, बात सही है। भारत बॉन्ड है, नाम है इसका भारत बॉन्ड। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड देश का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड है। भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड देश का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड ETF है। ठीक, भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का शुभारंभ किया गया है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, मतलब CPSU, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों CPSI, केंद्रीय SEC, केंद्रीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थान CPFI और अन्य सरकारी संगठनों के लिए धन का एक अतिरिक्त स्रोत बनाना है, मतलब इस उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबका विश्वास विरासत विवाद निपटान योजना क्या है? विरासत विवाद निपटान योजना क्या भाई? देखते हैं, इसके बारे में बताना हमें कि कौन सा कथन सही है, यह बताना है। ठीक है, तो सबका विश्वास विरासत विवाद निपटान योजना 2019 के बारे में बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह योजना वर्तमान GST शासन में विवादों के परिसमापन के लिए एक बार का उपाय है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है क्या? पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि सही पूछा गया है। ठीक, फिर दूसरा है, कोई भी व्यक्ति जो स्वैच्छिक प्रकटीकरण करना चाहता है, मतलब खुद से, ठीक है, वह योजना के तहत घोषणा दर्ज कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत था, बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं क्या है। यह योजना केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के पिछले विवादों के परिसमापन के लिए एक बार का उपाय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के लिए। ठीक है, टैक्स और 26 अन्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर अधिनियम इसमें शामिल होंगे,
तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। योजना के तहत घोषणा पत्र दाखिल करने के लिए निम्न श्रेणी के अंतर्गत आने वाला कोई भी व्यक्ति पात्र होगा। अब कौन उसमें शामिल, कौन सी व्यक्ति उसमें शामिल होंगे, उसकी उनकी कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या भाई? शर्त है कि जिनके पास ड्यूटी या टैक्स, जिनके पास ड्यूटी टैक्स की मांग के लिए कारण बताओ नोटिस है, या ऐसी नोटिस से उत्पन्न होने वाली एक या अधिक लंबित अपीलों पर जहां अंतिम सुनवाई 30 जून 2019 को ना हुई। ठीक है, समझ गए? तो पहली शर्त हो गई है। दूसरी शर्त है, पहली शर्त है कि मतलब ड्यूटी टैक्स की मांग के लिए कारण बताओ नोटिस तो है, या फिर ऐसी नोटिस से उत्पन्न हो रही कुछ एक या अधिक लंबित अपीलें हों जिनकी सुनवाई 30 जून 2019 को ना हुई हो। ठीक। दूसरी शर्त है, किसे दंड और विलंब शुल्क के लिए SCN जारी किया गया है जहां अंतिम सुनवाई 30 जून 2019 को ना हुई। ठीक। जिनके पास बकाया राशि बकाया है वो भी कर सकते हैं घोषणा अपनी। इसके अलावा जिनके पास जांच और ऑडिट के अधीन मामले हैं जिसमें शामिल ड्यूटी टैक्स की मात्रा निर्धारित की गई है और उन्हें 30 जून 2019 को या उससे पहले एक बयान में उनके द्वारा संचारित किया गया है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसकी क्या शर्तें हैं, ठीक है, क्योंकि शर्तें हो सकता है वो भी स्टेटमेंट के रूप में आ जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि स्वदेशी रूप से निर्मित विनिर्दिष्ट रक्षा वस्तुओं के आयात पर GST को 2050 तक छूट दी गई है। बात सही है, जब तक स्वदेशी रूप से निर्मित विनिर्दिष्ट रक्षा वस्तुओं के आयात पर GST को छूट दी गई है, कब तक? 2050 तक। सही है कि गलत है? ये गलत है। ठीक है, दूसरा है, भारत में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के आयोजन के लिए फीफा और अन्य निर्दिष्ट व्यक्तियों को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर GST की छूट रहेगी। ये बात तो सही है। ठीक है, महिला फुटबॉल की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो दूसरा स्टेटमेंट सही, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। GST को 2024 तक स्वदेशी रूप से निर्मित नहीं होने वाले निर्दिष्ट रक्षा सामानों के आयात पर छूट दी गई है, वहां पे क्या बताया गया था? 2050, इसलिए वो गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट ये है 2024 तक का। ठीक। भारत में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के आयोजन के लिए फीफा निर्दिष्ट व्यक्तियों को वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति पर GST की छूट दी गई है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका सही रहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना बताना है कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है पूछा गया ना, तो गलत कौन सा है ये बताना है। पहला है, प्रत्येक व्यक्ति के मामले में भारत का निवासी होने के नाते जो 60 साल या उससे अधिक की आयु का है लेकिन 80 वर्ष से कमाई वालों को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, यदि वार्षिक आय उनकी कितना है? 50,000। ठीक है, तो 50,000 रुपये से जिनकी इनकम, वार्षिक इनकम कम है, वार्षिक आय कम है, उनको आयकर भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, दूसरा है, प्रत्येक व्यक्ति के मामले में भारत में एक निवासी होने के नाते जो 80 वर्ष उससे अधिक की आयु का है यदि वार्षिक आय 7.5 लाख, ठीक है, 7.5 लाख रुपए से कम है, तो उसे आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, 7,50,000। ठीक है, बात सही है क्या? ये भी गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गलत ही पूछा गया कि गलत कौन सा है, तो जब दोनों ही गलत है तो बताया जाएगा सी सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, सी। हाँ, चलिए, प्रत्येक व्यक्ति के मामले में भारत के निवासी होने के नाते क्या है? 60 साल होनी चाहिए, उससे अधिक की काय कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन 80 से कम होनी चाहिए। ठीक, उनको आयकर भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है यदि उनकी वार्षिक इनकम है 30,000 रुपये से कम। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के मामले में भारत में एक निवासी होने के नाते जो 80 साल या उससे अधिक है, जो 80 साल के हो चुके हैं या उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, उनके लिए क्या है, उनको भी आयकर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा अगर उनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम होगी तो। ठीक है, तो ध्यान रखना है 60 उससे अधिक, 80 से लेकिन कम है, मतलब 60 से 80 के बीच वाले जो हैं उनकी 30,000 इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, यहीं पे 80 साल के ऊपर वालों को 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखें। 2020-21 बजट है, 2020-21 के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखते हैं। उधार और अन्य देनदारियों से केंद्र सरकार की आय का उच्चतम प्रतिशत बनता है, बात सही है। राज्यों के करों और कर्तव्यों का हिस्सा केंद्र सरकार के व्यय का उच्चतम प्रतिशत है, यह भी बात सही है। राज्य के कर और कर्तव्यों जो हिस्सा है केंद्र सरकार के व्यय का उच्चतम हिस्सा प्रतिशत होता है, यह भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जो सही है, सही उत्तर इसका सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। ठीक है, उधार और अन्य देनदारियां केंद्र सरकार की आय का उच्चतम प्रतिशत है, इसके बाद GST और निगम कर। तो उच्चतम प्रतिशत है केंद्र सरकार की आय का उधार और अन्य देनदारियां, कितना है, 20%, उसके बाद GST है 18%, उसके बाद निगम कर है 18%। तो ध्यान रखना है इनके प्रतिशत को भी। ठीक है, इसके अलावा राज्यों के करों कर्तव्यों के हिस्सा केंद्र सरकार के खर्च का उच्चतम प्रतिशत है जो कि 20% है, और ब्याज भुगतान है 18%, ये भी ध्यान रखना है। तो दोनों स्टेटमेंट इस हिसाब से सही थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। कृषि उद्योग योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। कृषि उद्योग योजना है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना है क्या? तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है निकेतन पोषण योजना, निकेतन पोषण योजना स्कूली बच्चों के लिए पोषण प्रदान करने से संबंधित एक योजना, तो सही है, ये भी गलत ही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए देखते हैं डी इसका आंसर क्यों है। देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है क्या, कृषि उद्यान योजना। ठीक है, निक्षय पोषण योजना जो है यह तपेदिक रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने से संबंधित योजना है। ठीक है, तो नाम फिर से याद रखना है, क्या नाम है भाई, ये कृषि उद्योग योजना, उड्डयन मंत्रालय, निकेतन पोषण योजना तपेदिक से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए। ठीक है, बच्चों के लिए नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है। फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं, इकोनॉमिक के टर्म्स हैं, तो ये सब थोड़े से ध्यान रखने होते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से भी आते रहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि फिस्कल डेफिसिट के संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही है। देखते भाई कौन सा कथन सही है इसमें। देखिए, राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस उधार सहित कुल प्राप्तियां। कुल व्यय माइनस उधार सहित कुल प्राप्तियां होंगी, या उधार सहित कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय होगा, ऐसे तो होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट गलत है, पहली बार। ठीक, दूसरा है राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है, तो ये सही है। राजकोषीय घाटा तभी तो होगा जब लगे कि सरकार पे उधार बहुत चल रहा है इस समय। ठीक है ना, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट जब सही, तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसकी व्याख्या क्या है।
व्याख्या है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय जो घाटा है वो है कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां। ठीक, राजकोषीय घाटे की सीमा इस बात का संकेत है कि सरकार अपने साधनों से कितनी दूर खर्च कर रही है, मतलब कितना खर्च कर रही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। उधारों में ना केवल उधारों में क्या मूल राशि आती है वो तो ठीक है, उसके साथ साथ पुनर्भुगतान भी शामिल होता है, बल्कि ब्याज के भुगतान की भी आवश्यकता होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा यही सब है। अगला प्रश्न है राजस्व प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है देखते हैं। ब्याज प्राप्तियां लाभांश और मुनाफे जो होते हैं राजस्व प्राप्ति के हिस्से होते हैं। राजस्व प्राप्ति के हिस्से कौन कौन से हैं? ब्याज प्राप्ति, लाभांश और मुनाफे, ये तीनों चीजें इससे संबंधित हैं। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट क्या हुआ सही हो गया। ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा स्टेटमेंट, संविधान जनादेश व्यय का अनुच्छेद 112 जो है, अनुच्छेद 112 संविधान का राजस्व और अन्य श्रेणियों में दिखाया गया है, ये बात सही है। ये भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी। तीसरा स्टेटमेंट, विनिवेश की आय जो है पूंजी प्राप्तियों का हिस्सा होता है। विनिवेश से जो आय होती है वो पूंजी प्राप्तियों का हिस्सा होती है, ये भी स्टेटमेंट सही। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या है ब्याज प्राप्ति, लाभांश, मुनाफे, राजस्व प्राप्ति के हिस्से हैं, सही है। संविधान का अनुच्छेद, जनादेश व्यय का अनुच्छेद 112 जो है ये राजस्व और अन्य श्रेणियों में दिखाया गया है, ये भी बात सही है। विनिवेश की आय पूंजी प्राप्तियों का हिस्सा है, ये भी बात सही। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें ये बताना कि पूंजी खाते के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, और सही उत्तर बताना है, गलत नहीं बताना, सही बताना। ठीक, चलिए देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में शेयरों की खरीद अगर होती है तो पूंजी खाते के अंतर्गत आएगा या नहीं? आएगा। ठीक है, सही है। सेंट्रल बैंक के साथ रिजर्व खाता अगर है तो वो भी आएगा। बाहरी उधार जैसे ईसीबी टाइप का है तो वो भी आएगा इसमें। ठीक है, तो ये तीनों चीजें पूंजी खाते के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी सही उत्तर। हाँ, देखते हैं क्या क्या है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ट्रांजैक्शन यानी उन ट्रांजैक्शन से निपटता है जो एसेट या लाइबिलिटीज बनाते हैं। ठीक है, यह राष्ट्रीय संपत्ति के स्वामित्व में शुद्ध परिवर्तन को दर्शाता है। राष्ट्रीय संपत्ति के स्वामित्व में शुद्ध परिवर्तन को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यदि आप यूएस में स्टॉक या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो यह एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा, या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पर डेबिट होगा, क्योंकि एसेट खरीदने के लिए आपको यूएस को भुगतान करना होगा। ठीक है ना, तो बात क्लियर हुई। कैपिटल अकाउंट होता क्या? कैपिटल ट्रांजैक्शन होता है, यह ऐसे ट्रांजैक्शन होता है जो कि एसेट या लाइबिलिटीज बनाते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति के स्वामित्व में शुद्ध परिवर्तन को भी दर्शाते हैं। ठीक, कैपिटल अकाउंट ध्यान रखना है क्या क्या करता है। उदाहरण यही है कि यूएस में अगर आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई सामान, कोई स्टॉक खरीदते हैं, तो उसमें आप कैपिटल अकाउंट ही ट्रांजेक्शन करते हैं, और उसको कैपिटल अकाउंट जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। और जब डेबिट होगा तो वो क्या क्यों होगा? क्योंकि हम एसेट खरीदने के लिए यूएस को भुगतान करेंगे। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही रहा। दूसरा है, अब देखिए कैपिटल अकाउंट के घटक होते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के घटक कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, बाहरी उधार जैसे ईसीबी, सेंट्रल बैंक के साथ रिजर्व खाता। ठीक है, तो चार चीजें कैपिटल अकाउंट के घटक होते हैं, इनको ध्यान रखना है। कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा है,
ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लें, कितना टाइम हुए अभी देखना जरूरी है, अभी ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है इसमें से गलत कौन सा है, इस बार गलत बताना हमें, ठीक। देखते हैं, चालू खाता देश की शुद्ध आय को दर्शाता है, बात सही है। चालू खाता जो होता है वो देश की शुद्ध आय को दर्शाता है, ये बात सही है, ठीक। दूसरा है, अनुदान पूंजी खाते का एक घटक है, तो बात गलत है, ठीक। तीसरा है, करंट अकाउंट के केवल 3 घटक होते हैं, जैसे गुड्स सर्विस और इन्वेस्टमेंट इनकम, तो बात सही है क्या? इसमें केवल 3 घटक क्यों बोल रहा है, सीधा बोल दे तो 3 घटक होते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक। तो दूसरा और तीसरा गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बी इसका सही उत्तर। हाँ, अब देखिए, चालू खाता क्या है भाई? यह माल सेवा में व्यापार जैसे चालू चालू अल्पकालिक लेन देन से संबंधित है, यह देश की शुद्ध आय को दर्शाता है, तो ये ध्यान रखना चालू खाता क्या क्या होता है, ठीक है। अनुदान पूंजी खाते के घटक के रूप में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन चालू खाते में शामिल है, ठीक है, क्योंकि वे एक तरफा है। अनुदान पूंजी क्या होती है? ये एक तरफा होती है, चालू खाते में शामिल होती है, ठीक। चालू खाते में शामिल हो रही है, एक तरफा है, कोई इसकी देयता नहीं बनाते, प्राप्तकर्ता को बदले में कुछ भी वापस नहीं देना है, प्राप्तकर्ता को बदले में कुछ भी वापस नहीं देना है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। अब करंट अकाउंट के 4 घटक होते हैं, इसको भी देख लेते हैं कौन कौन से घटक हैं, उसने केवल 3 बोला क्यों, ठीक है। तो एक तो है माल वस्तुओं में व्यापार, दूसरी चीज है सेवाएं अदृश्य सेवाओं में व्यापार जैसे पर्यटन, ठीक है। तीसरा है आय निवेश, चौथा है वर्तमान एक तरफा स्थानांतरण, दान उपहार अनुदान प्रेषण, ठीक है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत था। अगला प्रश्न देख लें, बस 5 मिनट और लगेगा। भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस संदर्भ अपने विशिष्ट लक्ष्यों के घटते क्रम में निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की व्यवस्था करें, इससे संबंधित हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है ना, जो रीवा प्लांट के बारे में हमने अभी पढ़ा था, तो उससे भी उसी मिलता जुलता, लेकिन इसमें बताना घटते क्रम में, उसमें 100 गीगावाट क्या था, सौर ऊर्जा। अब इसमें देखना क्या है, देखिए नीचे दिए कोड का उपयोग करके आप सही उत्तर बताएं। देखिए हमने वहां बताया था सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की बात होगी, मतलब 100 गीगावाट, 175 में से 100 तो यही है, तो सौर ऊर्जा सबसे पहले आएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले दूसरा नंबर कहाँ पे है, तो ए में है, बाकी बी सी डी में कहीं नहीं है, इसलिए सही उत्तर मार्ग सीधा ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सौर ऊर्जा है, फिर पवन ऊर्जा होगी, फिर उसके बाद आपका बायोमास, फिर छोटी पनबिजली, ठीक है, ये चारों चीजें इस तरीके से रहेंगी, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा बायोमास छोटी पनबिजली, ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है, ये है सही उत्तर, देखते हैं क्या इसका व्याख्या है। देखिए इसकी व्याख्या है कि 2022 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को 175 गीगावाट तक बढ़ा दिया है, ठीक है। इसमें सौर ऊर्जा 100 गीगावाट, 60 है पवन ऊर्जा 60, बायोमास पावर 10, लघु जल विद्युत जो है वो 5 गीगावाट की है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़, कि सौर ऊर्जा 100, पवन ऊर्जा 60, 10 है बायोमास, लघु है 5, ठीक है, लघु पनबिजली, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लें, हाल ही में निम्न में से किस देश ने लगभग 1500 वर्षीय यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हागिया सोफिया, नाम है हागिया सोफिया संग्रहालय को संग्रहालय से मस्जिद में परिवर्तित करने की अनुमति दे दी है, ये कोई देश है, 1500 साल पुराना कोई यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, नाम है हागिया सोफिया, ठीक है ना। तो हागिया सोफिया है, इस संग्रहालय को मस्जिद में कन्वर्ट करने की बात हो गई है, कन्वर्ट करने की अनुमति दे दी है,
तो ये देश कौन सा है? ये देश है आपका तुर्की। तो ध्यान रखना है, तुर्की ने ऐसा किया है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बी है यहाँ से उत्तर। हाल ही में तुर्की सर्वोच्च अदालत ने लगभग 1500 वर्षीय हागिया सोफिया को एक संग्रहालय से मस्जिद में बदलने की अनुमति दे दी है। किसने दी? सर्वोच्च अदालत ने। ध्यान रखना, 1453 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध सदियों पुरानी संरचना मूल रूप से बीजांटिन साम्राज्य, ये ध्यान रखना, बीजांटिन साम्राज्य है में एक कैथेड्रल थी। जो बीजांटिन साम्राज्य था उसमें ये कैथेड्रल थी। 1453 में एक मस्जिद में इसको बदल दिया गया था जब कॉन्स्टेंटिनोपल सुल्तान मेहमत द्वितीय के ऑटरस बलों से गिर गया था। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल सुल्तान था मेहमत द्वितीय, इसके ऑटरस बलों से इसको ये गिर चुका था। 1930 के दशक में क्या हुआ? हालांकि तुर्की गणराज्य के संस्थापक रहे मुस्तफा कमाल अतातुर्क, तुर्की गणराज्य के संस्थापक कौन है? कमाल अतातुर्क, मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने मस्जिद को बंद कर दिया और देश को अधिक धर्मनिरपेक्ष बनाने के प्रयास में इसे संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया था। ठीक, ये बात आपको समझ में आई कि कॉन्स्टेंटिनोपल सुल्तान जो था मेहमत द्वितीय ने क्या किया, इसको गिरवा दिया था। फिर 1930 के दशक में जब मुस्तफा कमाल अतातुर्क आते हैं, ये धर्मनिरपेक्ष बनाने की प्रवृत्ति, इनके धर्मनिरपेक्ष विचार रहते हैं या धर्मनिरपेक्ष रूप से प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने इसको एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया था। फिर हागिया सोफिया की स्थिति में बदलाव यूनेस्को सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बार बार चेतावनी के बाद आता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तुर्की इन योजनाओं के साथ आगे ना बढ़े। ठीक है, तो ये बात सही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बोस्निया हर्जेगोविना, जिसे अक्सर बोस्निया के रूप में अनौपचारिक रूप से जाना जाता है, बोस्निया हर्जेगोविना क्या है भाई? बोस्निया हर्जेगोविना अक्सर बोस्निया के रूप में अनौपचारिक रूप से जाना जाता है, यह एक देश कहाँ है? यह है लेब्राडोर प्रायद्वीप की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, लेब्राडोर या बाल्कन, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है, इवेरियन है। बोस्निया और हर्जेगोविना कहाँ हैं? ये दोनों यूरोप में हैं, यूरोप महाद्वीप में हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे पड़ते हैं भाई? ये आपके पड़ते हैं बाल्कन स्टेट्स हैं ये सब। ठीक है ना, बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है ना, तो लाटविया है, तो ये जो है ये बाल्कन प्रायद्वीप हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। बाल्कन ही है। 25 जुलाई 25 साल बाद नरसंहार के पीड़ितों की याद में श्री ब्रेनिका पोटोकरी मेमोरियल और कब्रिस्तान में स्मरण उत्सव सेवाएं आयोजित की गई थी। जुलाई 1995 में क्या हुआ था कि बोस्निया हर्जेगोविना के एक कस्बे सेरेब्रेनिका में, बोस्निया हर्जेगोविना का एक कोई मोहल्ला टाइप का रहा होगा, कस्बा टाइप का, उस वो है नाम है उसका सेरेब्रेनिका। इसमें 8,000 मुस्लिम और ज्यादातर इसमें पुरुष और लड़के मारे गए थे। ठीक है, तो बोस्निया हर्जेगोविना, जिसे अक्सर बोस्निया के रूप में औपचारिक रूप से जाना जाता, बाल्कन प्रायद्वीप के भीतर स्थित ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व यूरोप का एक देश है। कहाँ का? दक्षिण और दक्षिण पूर्व यूरोप का एक देश है। तो ये ध्यान रखना है, कौन सा है भाई? बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है ना, जान दीजिए। धूमकेतु की पूंछ को सूर्य से दूर निर्देशित किया जाता है, धूमकेतु की पूंछ को सूर्य से दूर निर्देशित किया जाता है, इसके बारे में बताना हमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। देखिए सीधा सीधा उत्तर दिख रहा है,
सी है सही उत्तर इसका, तो हम इसको इसका सी ही मार देंगे। ठीक, तो सी है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण सूर्य से दूर अपनी पूंछ फेंकने वाले धूमकेतु पर एक रेडियल दबाव डालती है, इसलिए ये सूर्य से दूर जाते हुए दिखता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है भाई। धूमकेतु की पूंछ और कोमा धूमकेतु में दिखाई देने वाली विशेषताएं हैं, पूंछ और कोमा। ठीक, जब वो सूर्य से प्रकाशित होते हैं पृथ्वी से दिखाई दे सकते हैं, जब एक धूमकेतु आंतरिक सौर मंडल से गुजरता है तब। ठीक, क्योंकि धूमकेतु सौर प्रणाली के भीतर पहुंचता है, इसलिए सौर विकिरण धूमकेतु के भीतर वाष्पशील पदार्थों को वाष्पित करने और फिर नाभिक से बाहर प्रवाहित करने का कारण बनता है, जिससे धूल उनके साथ बह जाती है। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। अलग अलग पूंछ धूल और गैसों से भरती है, विभिन्न घटनाओं के माध्यम से दिखाई देती है। धूल सीधे सूर्य के प्रकाश को दर्शाती है और गैसें आय नियोजन से चमकती हैं। ठीक, अधिकांश धूमकेतु दूरबीन की सहायता के बिना दिखाई देने के लिए बहुत ही निष्क्रिय होते हैं, लेकिन प्रत्येक दशक कुछ उज्ज्वल हो जाते हैं जो नग्न आंखों से भी दिखाई दे जाते हैं। ठीक, बाहरी सौर मंडल में धूमकेतु जमे हुए हैं और अपने छोटे आकार का पृथ्वी से पता लगाना बेहद कठिन या असंभव है। क्यूपर बेल्ट का नाम सुना होगा, तो क्यूपर बेल्ट में निष्क्रिय धूमकेतु नाभिक के सांख्यिकीय हिरासत हबल स्पेस टेलीस्कोप टिप्पणियों से सूचित किए गए हैं, लेकिन इन निशानों पर सवाल उठाए गए हैं। ठीक है, कुल मिला के इतना सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है कि सूर्य से दूर जाता हुआ दिखाई देता है तो उसका रीजन क्या है। ठीक है, जैसे एक गाड़ी है, आप यहाँ पे खड़े हैं, एक गाड़ी आती है आपके पास से और बहुत स्पीड में आए, वो क्या करें कि आपके बगल से धूल उड़ाते हुए निकल जाए। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके पास से गुजरती है तो आपके ऊपर धूल बहुत ज़्यादा आपके पास आएगी, लेकिन जैसे जैसे वो आपसे आगे दूर भागती जाएगी तो क्या होगा, वो धूल आपके पास आना कम हो जाएगी लेकिन उसके पास रहेगी कुछ ना कुछ। ठीक, यही होता है। ठीक है ना, यही कंडीशन है धूमकेतु की, जो सूर्य के पास रहेगा स्पीड में चलेगा तो यहाँ से लौ जो होती है वो यहाँ से लेके भाग ले स्पीड में जब निकल जाता है बाहर तो क्या करता है, लेके तो कुछ निकला अपने साथ, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो भी समाप्त होगा। ठीक है, लेकिन सूर्य से जब बाहर निकलता तो वो प्रकाश कुछ प्रकाश के हिस्से को लेके अपने साथ भागता है, वही धूल वाष्प जो होता है उसके वही सब। ठीक है, तो यही है एक कंडीशन, बाकी कुछ विशेष नहीं है। ठीक, चलिए आज का वीडियो यहीं तो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।